5 साल बाद गाइस, काफ़ी खुशी भी हो रही है। सो गाइस इन द कोर्ट आफ्टर 5 ईयर्स छपरी राइडर्स। सो गाइस फाइनली गाड़ी की सर्विसिंग ऑपरेशन सब हो चुका है। सो हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो सारे, आई होप कि सब बढ़िया होगा। सेफ हो गाइस, सो वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और गाइस आज इतनी खुशी इसलिए है क्योंकि मेरे एंड टर्म पूरे हो चुके हैं। सो एग्जाम्स आर ओवर फॉर दिस सेमेस्टर, तो हम सेकंड सेमेस्टर में शुरुआत करेंगे 21st of March से। बट फिलहाल है अब लंबा सा ब्रेक होलियों तक का। सो कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट और जरूर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बट गाइस मैंने एक चीज़ सोची है कि हॉस्टल जाने से पहले या फिर यूनिवर्सिटी खुलने से पहले मैं 5 से 6 व्लॉग डालूंगा, बस ज़्यादा नहीं। तो क्वालिटी पे काम करेंगे, क्वांटिटी पे नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सो गाइस आज की व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि काफ़ी हैपनिंग है आज का डे मेरे लिए। सो आज के दिन में तो सबसे पहले अभी मैं जा रहा हूँ बैडमिंटन कोर्ट और उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा लेकिन कोर्ट पहुँचने के बाद। गाइज एक चीज और फाइनली जो मैं जब से भी थोड़ा घड़ा हूँ कहने में लगा था कि गाड़ी की सर्विसिंग करानी है। सो फाइनली सर्विसिंग का दिन भी आ गया है तो गाड़ी के मजे है गाइज, थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च होगा बट गाड़ी के मजे है। तो आज सर्विसिंग भी कराते, फिलहाल तो चलते हैं नाश्ता करने के लिए। सो गाइज वैसे एक फैक्ट है, एक रियलिटी है जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। मींस कि जो लड़के होते हैं ना जिनको खाना बनाना नहीं आता, जैसे मैं, मींस मेरे को ना लेकिन दो चीज़ें बहुत अच्छे से आती है, मैगी और अंडा बनाना। मींस हर लड़के को दो चीज़ें जरूर आती है, मैगी और अंडा बनाना। और मतलब सभी रिलेट कर सकते हैं कि जब कुछ नहीं होता है तो मैगी ही सहारा होती है, मींस खाने के टाइम पे। सो गाइज अभी तो फिलहाल मैं बनाता हूँ मैगी। और जिसने मेरा मैगी चैलेंज नहीं देखा है तो जाओ जाके देखो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार। नहीं सो गाइस सारा सामान पकड़ लिया है, रैकेट है, बैग है, बैग में मतलब कोट शूज़ है और साथ में हेलमेट जो काफ़ी ज़रूरी, और फिलहाल आज गाड़ी भी लेके जाएंगे। सो लेट्स गो गाइस, आज इसकी फाइनली सर्विसिंग भी हो रही है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाटकोट। जिसने भाटकोट वाली पर्टिकुलर व्लॉग नहीं देखी है जाओ जाके देखो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे जो नीचे वाला रीज़न है, यहाँ पे आए थे उस दिन हम, सामने से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। बट फिलहाल हम यहाँ पे रुके हुए हैं और अब चलते हैं कोर्ट को। कोर्ट थोड़ा सा नीचे पे है तो गाड़ी ऊपर पार्क कर रही थी क्योंकि नीचे काफ़ी गंदी रोड है, सो ला नहीं पाया मैं एज बिकॉज यू नो मुझे कम एक्सपीरियंस है। और गाइस आज ये दिन स्पेशल है क्योंकि मैं पूरे फाइव ईयर्स बाद कोर्ट पे खेलने वाला हूँ। और वैसे तो मैं काफ़ी सारे कोर्ट एक्सप्लोर कर चुका हूँ देहरादून में भी, बट कहीं खेला नहीं मैंने सच में। और जहाँ हॉस्टल में खेलते थे वहाँ भी सिर्फ ओपन कोर्ट था, वो सीमेंटेड। सो अभी फ़िलहाल ये बहुत बड़ा दिन मेरे लिए और 5 साल बाद गाइस, काफ़ी खुशी भी हो रही है। सो फिलहाल जल्द से चलते। So guys, in the court after 5 years. Knocking करनी शुरू कर दी है और हम भी अपने रैकेट के साथ उतर रहे हैं कोर्ट में। और फिलहाल देखते हैं कहाँ पे ट्राईपॉड को खड़ा करना है। बैडमिंटन कोर्ट से आ चुका हूँ मैं स्टेशन पे, तो अब चलते हैं गाड़ी की सर्विसिंग के लिए। और हन्नू इज हियर गाइस, यू कैन सी। और काफ़ी ट्रैफिक में हन्नू अपनी गाड़ी नहीं निकाल पा रहे हैं, एक्सपर्ट होने के बावजूद ये गाड़ी नहीं निकाल पा रहा है। हेलो ब्रो, व्हाट्स अप।
सो गाइस पहुंच चुके हैं हम शोरूम पे डीसी होंडा। गाड़ी के अंदरूनी पार्ट्स अन्नो, इसका ऑपरेशन हो रहा है। क्या कहना चाहोगे आप? देख रहा हूँ कैसे करते हैं, मैं भी सीखना चाहता हूँ। समझ रहे हो ना। सो गाइस फाइनली गाड़ी की सर्विसिंग ऑपरेशन सब हो चुका है, तो अब निकलते हैं। गाइस पहाड़ों पे आए तो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसी चीजें हमारे पहाड़ों को गंदा कर रही हैं। चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ों के साथ ऊंचाई हो गया चुकी है। सो गाइज फाइनली बैक टू होम। और गाइज जैसा आपको पता है, हम हवा की रुख की तरह कहीं को भी मुड़ लेते, तो ऐसे ही हन्नू और मैं निकल गए थे पहाड़ों की शहर के लिए, जो कि हमें बहुत पसंद है ऐसे ट्रैवल करना। सो अनएक्सपेक्टेड ट्रिप थी हमारे लिए, लेकिन बहुत मजा आया गाइज। आज का दिन काफ़ी एक्टिव भी रहा, थकाई भी लग रही है गाइज। और 5 साल बाद गाइज बैडमिंटन में कोर्ट का एक्सपीरियंस गाइज नेक्स्ट लेवल। और एक ही लाइन कहूँगा, आज धागा खुल गया गाइज। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अब फाइनली जो गाइज नेक्स्ट ब्लॉग है वो बताऊंगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि एक टूर है हमारा। सो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड अप करते। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, वेयर मास्क, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। गाइस स्पीति वैली से कंपैरिजन हो रहा है। स्पीति ना जाके आप यहाँ सकते हैं जो उत्तराखंड वाले। स्पीति लाइट।